मॉक ड्रिल के माध्यम से कोरोना मरीज के उचित प्रबंधन की तैयारी, डीन डॉक्टर उदयनिया। मॉक ड्रिल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गंभीर व सामान्य मरीज के उपचार की रिहर्सल की गई, डॉक्टर कृष्णा कुलदीप। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों को अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने हेतु निर्देशित किया है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर दिनेश उदयनिया के निर्देशन में मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर कृष्णा कुलदीप के द्वारा मेडिकल स्टाफ व डॉक्टर्स को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु कोरोना मरीज के उपचार व प्रबंधन हेतु आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान गंभीर मरीज के अस्पताल में एम्बुलेंस से ले जाने से लेकर ICU सेटअप में उसके इलाज की ड्रिल की गई एवं सामान्य मरीज के OPD में दिखाने से लेकर उपचार की ड्रिल की गई। इस दौरान समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी व चिकित्सक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए PPE किट में नजर आए। इस दौरान मेडिकल डीन डॉक्टर दिनेश उदयनिया द्वारा बताया गया कि कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए हमने तैयारी कर ली है। अस्पताल के पास सामान्य से लेकर गंभीर मरीजों के उपचार हेतु सभी संसाधन मौजूद हैं। आज की गई मॉक ड्रिल भी उसी तैयारी का हिस्सा है। दतिया मेडिकल कॉलेज पहले से भी कोरोना के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है और यदि कोई विषम परिस्थिति बनती है तो हम पहले से अधिक बेहतर तैयारी से उसका सामना करने में सक्षम हैं। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।